धनुपाठ ने कहा कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो। उन्होंने क्यों कहा कि एक पढ़ी लिखी माँ? क्योंकि माए कौमें बनाती, मगर पढ़ी लिखी उसे कौन बनाता है? उस्ताद। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम। बादशाह जनरल हो, एमएनए हो, सेनेटर हो, वजीर हो, जो भी इस ओहदे पे हो, उसे बनाया अल्लाह ने उसके उस्ताद ने। हमेशा अंग्रेजी में कहा जाता है यू आर नोन बाय योर क्लास। आप लोगों के साथ किस तरह मिलोगे, लोगों के साथ किस तरह बैठोगे, जहाँ तक आपकी सोच है, किस बसी सोच के मिजाज के मालिक हो आप, ये उसे उसका टीचर पढ़ाता है। माँ उसे पैदा करती है, माँ बाप उसे बड़ा करते हैं, अल्लाह उसे बड़ा करता है, मगर ये उंगली लेके टीचर उसे पहला कदम अल्लाह टीचर सिखाता है। वो प्रोफेशनल ईयर्स में चला जाता है, चाहे डॉक्टर बने, वकील बने, बार एक्लॉ करे, पॉलिटिशियन बने, सदर बने, मगर बनाया उसको उस टीचर ने। वो पहला कदम जो टीचर ने यहाँ से करी हो जाती है, क्योंकि मैं अपने उस्ताद की और हमें सबको होना भी ये चाहिए कि जो तमीज सिखाते हैं, इस माशरे में चलना फिरना सिखाते हैं, ये इनका काम। उनकी बेस जो रखी है वो आपने रखी, मगर आज मुझे तकलीफ हुई कि 114 टीचर जिनको बरतरफ किया है, ये किस लिए किया है, क्यों किया है? हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली जाम साहब, हमारे जो सीएम है, वो एक वसी सोच के इंसान है और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आज बात हो रही है तो फंड्स की, एजुकेशन की, बिल्कुल फंड्स हैं, सिर्फ इस हद्वार में ये फंड है। अगर एहतसाब करना है पिछले एतवारों को भी आप एहतसाब के कटेरे में रखें, क्योंकि दस्तार की तहकीक की हर दस्तार की हर पेज की तहकीक है लाजिम, कि हर साहिब दस्तार मौजूद नहीं होता। तो अगर एजुकेशन ग्रुप के साथ मौजूद हो और एक डॉक्टर को रिलीजियस मिनिस्टर बना दिया जाए और एक रिलीजियस मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी?